नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बहुत तीन चार ऐसे मुद्दे रखे जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, लोकतंत्र के मुद्दे हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक शत्रुता में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गौर फरमाते हुए उन्होंने जानबूझ के कल उस मंच से विशेष राज्य की मांग नहीं की। कल बोलते बोलते कई दफ़ा वो हमने देखा कि वो अटक गए, नहीं बोल पा रहे थे, लोगों को काफ़ी नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि ये भारी गलतफहमी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों के बाद बिहार आए थे और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मंच से ये कहा है, ये आग्रह किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना चाहिए। क्या केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी? मनोज झा हमारे साथ हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोलने की बात की है जिसमें विधायकों को या जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अच्छे अच्छे कार्यों के बारे में सिखाया जाएगा, आचरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में सिखाया जाएगा। लगता है कि अच्छा सर इसका देखिए, मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बहुत तीन चार ऐसे मुद्दे रखे जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, लोकतंत्र के मुद्दे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग उन्होंने रखी और वो जाहिर तौर पर बिहार की मांग है, नेता प्रतिपक्ष ने बिहार को स्वर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड लेजिस्लेटिव स्टडीज़ वो सिर्फ विधायकों के लिए नहीं, हर जनप्रतिनिधि के लिए, शोधार्थी के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की जननी है बिहार, तो वहाँ इस तरह की पहल होनी चाहिए। और तीसरी, उन्होंने कही कि लोकतंत्र में हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हैं, अलग अलग पार्टी, लेकिन हमारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक शत्रुता में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गौर फरमाते हुए उन्होंने जानबूझ के कल उस मंच से विशेष राज्य की मांग नहीं की, क्योंकि वो कई बार कर चुके हैं। तो ये सब अगर आप एक साथ देखें, वो कहते हैं कि जानबूझ के ये मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, इसलिए नहीं, देखिए जानबूझ के नहीं, उन्होंने कई बार कहा। कल का फोरम था शताब्दी वर्ष, तो लोकतंत्र से जुड़े जो चीज़ें प्राथमिकताओं में थे उसको नेता प्रतिपक्ष ने सामने रखा। झा जी, आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं तेजस्वी यादव के, कल बोलते बोलते कई दफ़ा वो हमने देखा कि वो अटक गए, नहीं बोल पा रहे थे, लोगों को काफ़ी नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि ये भारी गलतफहमी है। उनकी बाईं आंख में मुझको लगता है रिफ्रैक्शन, वो पहले से भी जाने को सोच रहे थे रिफ्रैक्शन के लिए, बाईं आंख में दिक्कत की वजह से वो उनका ब्लर हो रहा था। तो जाहिर तौर पे उसको अटकना नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि आई साइट को उनको, वो खुद प्लान कर रहे थे कि रिफ्रैक्शन करवाएंगे, जल्द वो डॉक्टर से दिखवाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल इन दोनों चल रहा है, आप तो दिल्ली में रहते हैं, बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ये खेल चल रहा है, कुछ दिन पहले तो आपने देखा एक अच्छे खासे आदेश को जो 30 जून को पारित हुआ था, 5-6 दिन बाद उसे निरस्त कर दिया गया। लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब सब दिखने लगा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो निर्णय, उसको एक मिनट के लिए किनारे रखिए। खुद मंत्री कहते हैं माफियाओं का राज है मेरे, ये मंत्रालय तो पारंपरिक तौर पे जब भी भाजपा जदयू का गठबंधन रहा, ये मंत्रालय भाजपा के अंदर रहा, यानी कि अगर माफिया का जन्म हुआ तो उसकी जननी भाजपा है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में आईना सामने रखना बेहद आवश्यक है। व्यक्ति को मैं सिर्फ दोष नहीं देता, प्रणाली में दोष है, और उस प्रणाली का जन्म कैसे हुआ है ये महत्वपूर्ण है बिहार के हक में। लेकिन कई सारी बातें हो रही हैं ना, जेडीयू के लोग कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कुछ कह रहे हैं कि 80 विधायकों के आग्रह पर ही हमने अनुशंसा किया था, अब जेडीयू के लोग कुछ ये कह रहे हैं कि पैसे का खेल हो रहा है। देखिए सीधी, नहीं मैं कह रहा हूँ 80 विधायकों के आग्रह पर, लेकिन फिर माफिया की बात कैसे होती है, फिर कई सारी ऐसी चीज़ लगता है ना कि आप पैसों का तो एक बड़ा खेल चल रहा है। मेरा सीधा मानना है कि प्रणालीगत दोष है, जिसको कहते हैं सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ना सिस्टम में तब्दीलियां बेहद आवश्यक है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ आप बदलाव नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार को ही गौर करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी का, पूरी कैबिनेट को गौर करना पड़ेगा, पूरे विधानमंडल के समक्ष ये सारे मुद्दे आने चाहिए। देखिए मनोज झा हमारे साथ थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। तेजस्वी यादव की आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इस कारण से वो अटके हैं। वहीं बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है उस पर सभी को मिल बैठकर पूरी कैबिनेट को एक बार देखना चाहिए कि ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं, और वो मंत्रालय हर बार, वो विभाग जो हर बार है वो बीजेपी के कोटे के मंत्री के पास ही जाता है, तो बीजेपी की ओर भी कटाक्ष किया है मनोज झा ने, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।